Hey guys, welcome to my channel. My name is Bushir Dholakia and you guys are watching Amateur Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. साथ की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि आज मैं कौन सा वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ. एक बहुत ही फनी, एक बहुत ही कॉमिक, यू नो, एक अच्छा मूड, एक अच्छा माहौल बनाने वाला वीडियो होने वाला है. इस वीडियो का टाइटल जो है वो है नेम्स एंड पिजन्स ट्रैक्स जॉक्स 4 बाय अभिषेक उपमन्यू. या अभिषेक उपमन्यू, जिसके बारे में अगर आपने नहीं सुना है, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से काफ़ी लोगों ने अभिषेक उपमन्यू की जो स्टैंड अप रूटीन है वो देखी है, और मेरे तरह काफ़ी लोग आप में से भी उनके फ़ैन होंगे. काफ़ी एक अच्छा, एक यूनिक सा स्टाइल है उनका, एक बहुत ही अच्छा तरीके से, यू नो, पकड़ के रखते हैं सबको. सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, सो यू गैस मेक श्योर यू चेक आउट हिज चैनल. और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह से हमारा मिलना जुलना बना रहेगा. सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस द वीडियो. सो लेट्स डू दैट. अरे तुम लोग, मैं यूएस आ रहा हूँ मार्च 2020 में परफॉर्म करने. क्या बात है, आप वीडियो देखो भाई, यूएस जा रहे हैं. सच में ऐसा है, actually, see, listen, मार्च में जा नहीं पाएगा शायद. इट्स नॉट अ गुड नेम, बहुत ही घटिया नाम है. एक कॉमन सा नाम रख दिया घरवालों ने यार. एक बच्चा हो रहा था, ये नहीं कि इस काम को थोड़ा सीरियसली ले. लोग क्या यूनिक यूनिक नाम होते हैं, आपको जिंदगी भर याद रहेंगे. मतलब ऐसे जैसे जैसे आपका क्या नाम है, रमेश. अभिषेक से घटिया सिर्फ एक और नाम है. सही बात है. अभिषेक कौन बुला रहे थे? एक रमेश, एक अभिषेक, क्या हो रहा है भाई? मेरे फैंस भी तो नहीं पुद्दू नाम वाले. किसको लगता है उसका नाम यूनिक है? किसी को लगता है मेरा है भाई. मॉरिस. मेरा यूनिक है. मेरा बहुत यूनिक है. भारत है ये. तेरे घर वालों ने क्या सोच के रख दिया था नाम मॉरिस? और किसको लगा था? आयुष्मान. आयुष्मान कौन सा बहन? सुना एक्टर. अबे कॉमन नहीं, यूनिक चाहिए. यूनिक. एक मिनट, एक एक बजे कोई क्लास चल रही है. हाँ देखा, तमीज से हाथ उठा के कितना है. एक्सप्लेन करना पड़ रहा है जिसके स्पेलिंग बताने पड़े. हाँ सही बात है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. सही बात है. ये तो यूनिक हुआ भाई, बिल्कुल. जैसे ये नाम रहे, आपको याद रहेगा ना, ये मॉरिस रुत, ये सब आपको नाम रहे याद है. अभिषेक क्या? हाँ, चौथे बंदे का नाम अभिषेक है. सही बात है. 150 लोगों में दो निकल आए, और कोई तो नहीं अभिषेक. अबे तू भी अभिषेक है? यार एक बच्चा और था, मेरा बच्चा और था, मैं कॉपी लेके जैमिंग करता ना थोड़ी कि नहीं ये नाम हो चुका है, ये बहुत कॉमन है, ये वो. थोड़ा कोई अच्छा यूनिक सा नाम रखते. घर ला रहे थे, नीचे को चला था अभिषेक. अभी रखते अभिषेक रखते. तुम्हें के बच्चे का भी वही. और हर नाम से एक इमेज बन जाती है ना कि ये नाम है तो इस टाइप का बंदा होगा. सर मैंने भाई कैब बुक की, कैब वाला आया, मैंने कहा भाई साहब क्या नाम है? कबीर वाधवा. क्या बात है, कैब क्यों चला रहा है भाई? तो बिजनेस कर बड़ा भाई. बाय द वे, जस्ट टू क्लियर, इट्स नॉट अ क्लास थिंग. क्यों अमीरों के नाम अच्छे होते हैं, गरीबों के नाम बेकार होते हैं? बट मैं सोचा था गरीब लोग के बारे में कि तुम चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, नाम तो फ्री होते हैं. या दैट्स ट्रू. या एक्चुअली रख लो अच्छा यार, कभी हर बार शंभू, विनोद, प्रभाकर, प्रताप. अब रख लो कुछ कुछ मॉरिस टाइप रख लो. नहीं, हमें सियाराम रखना. फर्क क्या हो गया? मतलब मुंबई में बहुत सारे लोग सड़क पे सोते हैं सच में. तो मैं तो एक बार सच में मैं क्या करता हूँ, जब भी जो एक्स्ट्रा खाना पैक करा देता हूँ ना, वो हमेशा मैं उनको देता हूँ कि यार किसी की हेल्प भी कर देते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग. क्या पता कल को नोबेल पीस प्राइज. अपनी जूठी ग्रेवी दी है ना किसी को, तो महान काम किया. ग्रेवी ग्रेवी पीस खा गए थे हम सारे, सिर्फ ग्रेवी. एक दिन बंदा सड़क पे सो रहा था, मैं खाने लेके उससे आस गया. मैं कहा भाई साहब ये खाना चाहिए आपको? कह रहे मुझे मत दो. सड़क के उस पर वो दूसरा आदमी सो रहा है ना, उसे दे. ये क्या बात हुई भाई? आप दे के आओ. बिल्कुल सही बात. मैं नौकर नहीं हूँ. बिल्कुल
एक मैं खा दे रहा हूँ, तू मुझे काम पे लगा रहा है। yeah. क्या नाम है? आदित्य मल्होत्रा का। मैंने क्या कहा, कोई ठीक नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, मैं लेके आता हूँ भाई। मुझे दे दो। मुंबई वाला की सीन चल रहा है यार, ये सच में सच में मुंबई में बहुत बड़ी गलती कर दी थी पहले। मैं कहना मुंबई में अपनी कार ले आए, क्योंकि यही तो कमी है मुंबई में गाड़ियों की। बिल्कुल, जब से लेके गया हूँ लाइफ फक हो गई है पूरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई में सारे कबूतरों का पेट खराब है। पता है आपको ये ना? वो सिर्फ गाड़ियों पे हकते, गाड़ी पे डीजल हो गई है भाई, वो गाड़ियां ढूंढ ढूंढ के हकते हैं। क्यों सेंट्रो मिल के थोड़ा सेंट्रो पे हकते और कोई गाड़ी लो। ओ मर्सिडीज आज तो फील ही आ गई। क्या बात है भाई, मर्सिडीज आ गई आज तो। सड़कें साफ पड़ी हुई हैं, सिर्फ गाड़ियां गंदी हैं। तो जैसे मैं गाड़ी लेके आया ना, कबूतर खुशी हो गए, कह रहे हो नई गाड़ी आई है भाई, प्रवेश करते हैं इसका। ए वेलकम टू मुंबई। मैं लाल गाड़ी थी, हगक के सफेद कर और इतना स्ट्रेटेजिकली हगा है, इन्होंने प्लान कर रखा है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा कि हैंडल पे हक दो दरवाजा ना खोल पाए, विंडस्क्रीन पे हक दो कुछ दिखे ना इसको, वाइपर पे हक दो साफ करने जाएगा बेंच और। फैंटास्टिक। क्या लेके आयो? इसको पहले घर से थोड़ा हाथ धो के लाओ, सुबह से हम भी धो रहे बैठ के इसको। आपको 10,000 तो नहीं दूंगा मैं, तो अगले दिन मैं खुद ही धुलवा देते हैं गाड़ी। मैं सुबह उठा गाड़ी के पास गया, देखा वहां गाड़ी ही नहीं है। कबूतर उठा के तो नहीं ले तो कौन बाबा उड़ के यहाँ तक आए हगने, उधर ही ले चलते हैं, चबूतर के पास ही ले चलते हैं और अटैच बाथरूम बनाते हैं। तो कबूतर के पास तो वहीं पे एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे लालगढ़ी थी, देखिए आपने लालगढ़ ले गए पुलिस वाले। हंसने की बात नहीं है, ठीक है रुक जब गाड़ी निकला के तुझ पे चढ़ा दूंगा। ऐसे बॉम्बे बच जाते हैं सब करके। तो ना फिर मैं पहुंचा, ओ कोई बात नहीं, लेट समझ में, कभी भी गलती नहीं। मैं पहुंचा पुलिस स्टेशन, मैं कहा मेरी गाड़ी लाया? कह रहे हाँ, बड़ी गंदी पड़ी थी। मैं ये कौन सा लॉ है? कि गंदी पड़ी है तो उठा, गाड़ी अच्छी दिख नहीं रही थी, कम उठा के ले गए, सड़क पे रहना ही डिजर्व नहीं करता। मैं रिपोर्ट में क्या लिखा है जी? तो बताइए था मुंबई में एक रूल है कि ऑड डेट्स को सड़क के लेफ्ट साइड पार्क करनी होती है गाड़ी, और इवन डेट्स को सड़क के राइट साइड पार्क करनी होती है, ताकि दोनों साइड के लोग बराबर तंग हो। पर ये रूल उनके लिए अच्छा है जिनके पास लाइफ में कोई काम है, हाँ, क्योंकि रोज कहीं जाना होता है। सही बात, फालतू लोगों के लिए रूल नहीं है। तो मैं 10 दिन अगर गाड़ी एक ही जगह खड़ी रखूंगा तो 5 दिन हमेशा नो पार्किंग में रहेगी ना। तो शुरू के 10 दिन में 5 बार मेरी गाड़ी उठा के ले गए, 5 बार उनके पास गया, मैं कितना क्या और कोई क्राइम नहीं होता मुंबई में? हर बार मुझे पकड़ते हो, क्राइम नहीं मिल रहा आपको? क्या सोचा आपसे मुलाकात हो जाएगी? 400 रुपये लग रहे हैं मुलाकात के हर बार, कुछ स्टैंड अप रूटीन हो जाएगी। लेकिन एक चीज नोटिस की, जब पुलिस स्टेशन में गाड़ी खड़ी होती ना, तब नहीं कोई चिड़िया हग रही, ऊपर से पुलिस की सिक्योरिटी है ना। मैं कहा यार मैं हफ्ते हफ्ते के दिल्ली जाता हूँ, हमेशा टेंशन में रहता हूँ कि यार गाड़ी वहां सेफ है कि नहीं, स्पॉट मिल गया, पार्किंग मिलेगी 400 रुपए। तो मैं तो जब तुम्हें दिल्ली जाना था, मैं हाईवे पे हॉरिजॉन्टल लाके जा रहा हूँ गाड़ी, मैं ले जाओ ले लो लो जाओ भाग लो जाओ लेके जाओ इसको। कबूतर वो निकली 3 दिन रोक के बैठ रहे थे, आएगा तो भाग लेंगे। Fantastic. Yeah, okay, भाई, so ये थे अभिषेक उपन्यू और इस स्टैंड अप रूटीन, व्हाट अ फैंटास्टिक स्टैंड अप रूटीन इट वाज, बहुत ही मज़ा आया। जिस तरह से उन्होंने एक यू नो कॉमन नेम वाली बात की कि एक मेरा उनका जो नाम है वो बहुत ही कॉमन है,
अनकॉमन सा कुछ नाम होना चाहिए। अब मेरा नाम अनकॉमन है भाई, बुशीर नाम है मेरा, मतलब इतना अनकॉमन है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या आखिर में मेरा पूरा नाम है वो, क्योंकि कुछ मुझे कुछ भूषण बुलाते हैं, कुछ और बुलाते हैं, मतलब क्या बताऊँ यार। मतलब सो जिनको उनको लगता है कि उनका नाम कॉमन है उससे परेशानी है, मुझे लगता है कि मेरा नाम अनकॉमन है उससे मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा परेशानी है। सो अपनी अपनी परेशानी है भाई, अपनी अपनी चीज़ें होती है जो हमको सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। सो हर एक को लगता है कि जो सामने वाला है वो हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत है, लेकिन जब पता चलता है तो लगता है कि नहीं यार, अपने भी कुछ कम नहीं है। सो या इट वाज अ फैंटास्टिक स्टैंड अप रूटीन, जो नाम की बात कही उन्होंने और जो उन्होंने एग्जांपल दिया कि मेरा जो उबर वाला था या टैक्सी वाला था उसका नाम क्या था, तो करण वाधवा नाम था भाई, क्या करण वाधवा। सो एक साइकोलॉजिकल हम लोगों के दिमाग में है कि अगर कोई कपूर है, कोई मल्होत्रा है, अगर कोई वाधवा है तो वो तो सिर्फ पैसे वाला ही होगा, अगर कोई अंबानी है तो फिर और भी पैसे वाला होगा, फिर बात ही क्या करनी। सो इस तरह से उन्होंने कहा कि रमेश, ये शंभू बंबू, ये जो नाम होते हैं वो सारे गरीब के वाले नाम होते हैं। सो ये बिल्कुल सही नाम बात है कि एक तरह से हमें एक परसेप्शन बन जाता है कि एक अच्छा नाम होता है तो एक इमेज बिल्डअप होती है। तो और आखिर में उन्होंने बात की कि जो उनकी गाड़ी थी उनको कबूतरों ने परेशान कर दिया है। भाई मैं क्या बताऊँ, पिजन्स तो जो हर जगह रहते हैं वो इतने परेशान करते हैं। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन जो घर की बालकनी होती है या हमारे घर की जो भी छत बत होती है उन सबको वो वाट लगा देते हैं। सो उनका तो काम ही है यही पे हमको परेशान करते रहना, यही उनका काम है। सो इट वॉज अ फैंटास्टिक वीडियो गाइज, आई एम श्योर कि आपने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आया मुझे। इस वीडियो का लिंक मैंने जैसे बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू गाइज मेक श्योर यू चेक आउट हिज चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप भी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी रिक्वेस्ट हो आपके तरफ से, जिनको आप चाहे कि मैं आपका कोई फेवरेट वीडियो देखूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो गाइज, यू गाइज कैन कमेंट डाउन बिलो और यू गाइज कैन ईमेल मी इज वेल। और आपको मैं मिलूंगा अगली बार किसी खास वीडियो को लेकर। तब तक के लिए यू गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गाइज बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।